कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है गाइस? कोऑर्डिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया मैनेजमेंट के फाइव फंक्शंस हैं, मींस एवरी मैनेजर नीड्स टू परफॉर्म द फाइव फंक्शंस, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन अनदर फंक्शन ऑल्सो विच एवरी मैनेजर वॉन्ट्स टू, विच एवरी मैनेजर मस्ट परफॉर्म, दैट इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में नहीं बोला जाता है इसको, बट ये एक्चुअली में एक फंक्शन ही कहेंगे हम कि मैनेजमेंट का है. कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है. क्या बोला जाता है गाइस? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. धीरे धीरे बताऊंगी क्यों एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इसे बोला जाता है. एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि ये मैनेजमेंट के लिए क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हमें किसी भी कंपनी को अच्छे से मैनेज करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके एक्टिविटीज़ के अंदर, कंपनी की एक्टिविटीज़ के अंदर, कंपनी के डिपार्टमेंट्स के अंदर, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. गाइस इसको समझने से पहले अपने घर का ही एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे घर में जितने भी मेम्बर्स रहते हैं वो कौन होते हैं? हमारे फैमिली मेम्बर्स, राइट? फैमिली मेम्बर्स में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. कोऑर्डिनेशन होना मतलब एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होना, एक दूसरे को हेल्प करना जब भी एक दूसरे की नीड है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी फैमिली अच्छे से चल पाती है. अगर फैमिली मेम्बर्स में ही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब लड़ाइयाँ हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, किसी को भी किसी एक दूसरे की ज़रूरत पड़े, तो बेटा इसका मतलब उस फैमिली में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उस फैमिली के फैमिली मेम्बर्स में कोऑर्डिनेशन नहीं है. एंड अल्टीमेटली उस फैमिली को फिर बिखरने से कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन द सेम वे बेटा एक कंपनी में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, उनका एक ही कॉमन गोल है. वो गोल क्या है? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए सब लगे हुए, राइट? तो उनमें टीम स्पिरिट होना, यू कैन से कि कोऑर्डिनेशन क्या है? एक टीम स्पिरिट है कि सबको मिलकर काम करना है. ठीक है, कुछ वर्क प्लेसेस पे क्या होता है? पॉलिटिक्स होती है. पॉलिटिक्स इन द सेंस कि हर कोई अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है और दूसरों को पीछे करने में लगा हुआ है. ठीक है, अपनी तो इमेज बनाने में लगे हुए हैं लोग, लेकिन दूसरे की इमेज बनाने में, इमेज को खराब करने में लगे, राइट? सो टीम स्पिरिट चाहिए हमें. टीम स्पिरिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबके माइंड में ये होना चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, ना कि एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना. दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. तो आइए बेटा बात करते हैं कोऑर्डिनेशन को डिटेल में. कोऑर्डिनेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैम आपने अभी बताया कि कोऑर्डिनेशन क्या है? एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. एसेंस मींस बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए. तो ऐसा मैम क्यों हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? तो आइए बेटा बात करते हैं इसको डिटेल में. सबसे पहले हम देखते हैं बेटा मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन. मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन का मतलब है एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना. कोऑर्डिनेशन का मतलब है एक दूसरे की जब भी हेल्प पड़े तो एक दूसरे की हेल्प करना. कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल मेंटेन करते हुए आगे चलना, राइट? तो कोऑर्डिनेशन मींस ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मनी इन. बेटा कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बैलेंस लेकर आना ऑर्गेनाइजेशन में. ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंफ्यूजन ना, कोई कायसनेस ना हो, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. एक मैनेजमेंट बेटा ऑलवेज यही चीज़ करता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ एक कंपनी में चल रही हैं, जैसे बेटा कंपनी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चलती हैं, परचेज की, प्रोडक्शन की, सेल्स की, राइट? तो बेटा अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है कंपनी. अब परचेज डिपार्टमेंट का अगर हम बात करें, यानी कि परचेज की एक्टिविटीज़, परचेज डिपार्टमेंट सही से चलेगा बेटा तभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सही से चल पाएगा. क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम है? परचेज डिपार्टमेंट का काम है रॉ मटेरियल्स को परचेज करना.
फिर उन्हीं रॉ मटेरियल्स को यूज करके प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है बेटा, प्रोडक्शन करता है गुड्स की। फिर जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करता है गुड्स की, तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो गुड्स को क्या कर पाता है, सेल आउट कर पाता है। तो आप देखिए कि ये तीनों डिपार्टमेंट्स, ये तीनों एक्टिविटीज कह सकते हैं आप या डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं, ये तीनों की तीनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। परचेज डिपार्टमेंट ठीक से परचेज करेगा, रॉ मटेरियल अवेलेबल करके रखेगा, तभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कर पाएगा, ढंग से प्रोडक्शन कर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर ढंग से परफॉर्म कर पाएगा तो फिर इसीलिए सेल्स डिपार्टमेंट आगे सेल्स कर पाएगा, है ना। तो मैनेजमेंट का काम बेटा यही है कि जैसे कि ये डिपेंडेंट है एक दूसरे से, डिपार्टमेंट्स, इन तीनों डिपार्टमेंट्स में एक सिंक्रोनाइजेशन, एक बैलेंस क्रिएट करना, ठीक है, एक हार्मनी क्रिएट करना, ये सब किसका काम है, ये मैनेजर का काम। और इन सब डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही काम करना है, ना कि एक दूसरे को पीछे करते हुए आगे बढ़ना है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होता है, दैट ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज को एक साथ ले आओ, क्योंकि अल्टीमेटली सबने क्या करना है, उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का है, राइट। एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड जितने भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको भी एक साथ ले आना, एंड ब्रिंगिंग हार्मनी, हार्मनी मीन्स एक बैलेंस क्रिएट करना, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो आई होप गाइस कोऑर्डिनेशन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से मैं रिकॉल करवा देती हूँ, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है कि मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब टीम स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब भी जरूरत होती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन।